बच्चे सुनाने वाले के जीवन में कभी नहीं बच सकते। तो मेरा निवेदन है कि प्रत्येक साथी बैठ जाए, समय कभी लूंगा, सुनने का काम करें। बुद्ध की ज्ञान स्थली, दो चीजें बता दो अपने विषय में। शांति हरियाणा के पास से लगता हुआ डिस्ट्रिक्ट हमारा, जहाँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा तीन डिस्ट्रिक्ट उसको घेरे रहते हैं। आवाज में लड़कपन अक्खड़पन है, मजाक भी करते तो बुरी लगती है। दूसरी बात कि व्यवस्था में कमी नहीं चाहते। जो व्यक्ति बात करना चाहता हो, फोन पे बात करना चाहता हो, तो मेरा निवेदन है, छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, उठ कर यहाँ से नीचे जा सकता है। जिसको सुनने का शौक ना हो वो भी जा सकता है। व्यक्ति पांच हो लेकिन मजबूत हो तो। बुद्ध की ज्ञान स्थली, महापुरुषों की जन्मदाता। वह जो मैं बार बार कहता हूं कि जिस धरती पर देवता बनाए रह जाते हो, जिस धरती पर देवता पैदा होते हो, ऐसी धरती को मैं झुक कर सलाम करता हूं, नमन करता हूं और जयजीव करता हूं। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत श्रोमणी गुरु रैदास, गुरु वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव संत कबीर, गुरु घासीदास, महात्मा विश्वना, राजा सलेश, बाबा चौहरमल, ऐसे तमाम संतों को मैं नतमस्तक करता हूं, सलूट करता हूं, जिन्होंने इन अछूतों का नाम बढ़ाया, ये बताया कि तुम भी इंसान हो, तुम्हारे मेरा नमन है। शेर शाह सूरी की जमी को, जिन्होंने दिल्ली के तख्त तक अपना राज फैलाने का काम किया, मेरा नमन है। मैं सलूट करता हूं छत्रपति साहू जी महाराज को, फूले साहब को, बिरसा मुंडा साहब को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा साहब को, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को, माननीय जगजीवन राम जी को, माननीय डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को, माननीय काशीराम साहब को, मेरा तमाम उन क्रांतिकारियों को सलूट है जिन्होंने 21वीं सदी में पैदा होकर एक उच्च समाज के लिए, जिसे शोषित कहा गया, कभी पीड़ित कहा गया, कभी हरिजन कहा गया, आज भी जिसका नाम, जिसे दलित आदिवासी पिछड़ों के नाम से जाना जाता है, जिसे आज भी मुस्लिम समाज के नाम से जाना जाता है, उस समाज को उगाड़ने का काम किया, उनको अधिकार देने का काम किया, ऐसे तमाम प्रत्येक महापुरुष को क्रांतिकारी संगठन। साथियों, जब मैं अपनी बात रखूं, अभी बहुत सारे साथियों ने बहुत बड़ी बड़ी बढ़ाइयां की, भाई चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया, हमारे मैक्सिक जी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड में बहुत मेहनत करते हैं, उत्तराखंड में अगर कोई काम होता है तो जहां पर ये खड़े हो जाते हैं वहां किसकी औकात नहीं होती कि उस काम को होने से रोके, ये क्वालिटी है। अभी हमारे भाई दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, बहुत कुछ कहा गया। मैं बता दूं छोटे भाइयों को कि जो हमारे महापुरुषों ने किया है उसका तो अभी हम बाल बदली नहीं कर पाए, वो करना है हमें भी। ये शख्स वो शख्स है, हिमांशु वाल्मीकि, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब लगातार फोन आते थे, एक बहन मुझे फोन करके कहती थी कि भैया दो दिन से बच्चों ने रोटी नहीं खाई है। तो ये वो शख्स है, उसके परिवार के लोग, इसकी पूरी टीम, दिल्ली की बीमारी पूरी टीम, कि रात को अगर 2 बजे मैंने खाने के लिए फोन कर दिया तो 3 बजे तक खाने की व्यवस्था वहां लेकर पहुंचा, ये वो शख्स। माननीय रामे प्रधान जी हरियाणा गुड़गांव के रहने वाले हैं, इनकी भी पूरी टीम, क्योंकि हरियाणा गुड़गांव जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और उस एरिया में जितना मजदूर वर्ग है वो सारा मेरा समाज है, और 90% लोग बिहार से रहने वाले हैं, वहां पर भी लगातार लॉकडाउन में बिना अपनी जान की परवाह किए हुए, बिना ये परवाह किए हुए मुझे कोरोना होगा नहीं होगा, लगातार खाने की पार्टियां भर भर के, लगातार गाड़ी में धरके घूमते रहे, मोहल्लों में घूमते रहे, कोई व्यक्ति ये प्रक्रिया आप लोगों ने पूरे देश में की है। मैं बता दूं, अब मैं चंद्रशेखर आजाद के विषय में बता दूं, मैं अपने विषय में भी बता दूं कि ना तो उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड था, ना कोई सामंती बैकग्राउंड था,
ना कोई बहुत बड़ी सरकारी नौकरी का बैकग्राउंड था। ये स्थिति मेरी भी है, मुझे लगता है यहाँ बैठे हैं इस लाइन में और इस लाइन में सबकी स्थिति यही है। ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड होगा, जिसका बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड होगा वो यहाँ हम लोगों को सुनने के लिए आएगी। उसका कारण है उसके दिमाग में हम लोगों का डर बस गया। ये भारत का इतिहास कहता है कि जिस जिसने आंदोलनों की राह पकड़ी है या तो वो इस दुनिया से चले गए हैं वरना इस देश की गद्दियों पर बैठ कर साथियों। मैं अपनी निगेटिविटी बता दूं कि आज की पीढ़ी का युवा कितना नाकार और मक्कार है, जिसको शर्म नहीं आती है। 5000 साल की गुलामी के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हम लोगों को, इस देश की महिलाओं को समानता का अधिकार देने का काम किया, हम लोगों को वस्त्र पहनने का अधिकार दिया, यहां पर बोलने का अधिकार। लेकिन हम वो नाकारा लोग हैं जिन्होंने मात्र 72 साल में भारतीय संविधान की प्रतियां, इस संविधान की प्रतियां दिल्ली की गलियों में जलवाने का काम किया, दिल्ली के संसद के सामने जलवाने का काम किया। हुए या नहीं हुए नाकारा, हुए या नहीं हुए मक्कार, हमने सिर्फ खुद का स्वार्थ देखा। मैं ये बात भारत के प्रत्येक युवा के लिए कह रहा हूं, उसके लिए कह रहा हूं जो भारतीय संविधान में विश्वास रखता है, मैं उसके लिए कह रहा हूं जो अमन पसंद है, मैं उसके लिए कह रहा हूं जो प्रगतिशील व्यक्ति है। विडंबना देखिए, इस लोकतांत्रिक देश में जहां पर रिजर्वेशन का ठीकरा बहुत सारे लोग फोड़ते हैं, जहां पर रिजर्वेशन के बल पर संसद में विधानसभाओं में हमारे लोग जाकर के बैठ जाते हैं, एक आवाज ये नहीं उठी कि संविधान की प्रतियां जलाई गई है कि हमें इसको शर्म की बात नहीं, शर्म आनी चाहिए हमें। हम ऐसे लोगों को जूते की नोक पर रखते हैं जो संविधान की रक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जूते की नोक। हम लोगों ने आंदोलन किया दिल्ली के अंदर, सब जेल में थे, मैं अकेला पुरानी काट रहा था, आंदोलन की घोषणा कर दी। 22 राज्यों में भीम आर्मी का नेटवर्क बना हुआ है, 22 राज्यों में जिस जिले में चले जाएंगे उस जिले में भीम आर्मी का कार्यकर्ता होगा और जिस गांव में चले जाएंगे उसमें भीम आर्मी का समर्थक है। कार्यक्रम की घोषणा की गई, सरकार ने पूरी ताकत लगा दी उस कार्यक्रम को फिर करने के लिए। लोग नहीं पहुंचे लेकिन ये समझ आ गया कि कुछ लोग ऐसे भी भारत में रहते हैं जो इतने बड़े शोषण के बावजूद भी लड़ने के लिए तैयार है। अभी 2 अप्रैल सबको याद होगा, इतिहास में दर्ज हो गया है, कृति जो है पूरे भारत में है। विदेश तक के लोग कहते हैं कि आज तक इतना बड़ा मोर्चा आजादी के बाद तो पहली बार हुआ है, वरना आजादी से पहले कभी हुआ होगा। अब सोचना होगा कि उस बवंडर में जो हमारे बीच से हमारे भाई खोए हैं, जो 13 बच्चे शहीद हुए हैं, उनके परिवारों का क्या। भारत की राजनीति में दलित नेता, शेड्यूल कास्ट नेता, मुस्लिम नेता, सारे नेता हैं जो बहुजन की बात करते हैं, बहुजनों के बल पर वहां बैठते हैं। क्या उन सभी नेताओं के पास 1-1 लाख रुपए नहीं थे कि उन बच्चों के, उन घर के बच्चों को दे दिए जाए, कम से कम 6 महीने की रोटी निकल सके? नहीं थे। हमने आवाज तक नहीं उठाई। हम सोशल मीडिया पर लिखते हैं तेरी जाति है, मेरी जाति है, तू फलाने का वंशज है, तू निगड़े का वंशज है। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए शर्म। आज देश में सिर्फ 100 ग्राम मीट के लिए अखलाक को मार दिया जाता है, तो हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए शहादत दी है। अगर इस देश की स्मिता पर कोई याद आती है तो भारत के प्रत्येक युवा को निकलकर खड़ा हो जाना चाहिए, सबको खड़ा होना चाहिए। अभी मेरे साथी भी मुझे कहते थे कि इंट्रोडक्शन में बहुत टाइम लग जाता है। भाई अगर आप पढ़े लिखे हैं, बहुत से मूवमेंट जानते हैं, तो प्रत्येक विरोध में जो गलत देश के अंदर हो रहा है वो आपकी आवाज उठानी चाहिए, चाहे आप मजदूर को। जब तक ऐसा नहीं होगा इस भारत देश के अंदर समानता किसी कीमत पर आएगी। अभी नजीक
जो जेएनयू का ब्रिलियंट स्टूडेंट था, जो मिडग्रेड था, उसकी मौत का कारण शायद आपको पता नहीं होगा। मौत का जिला से नहीं मिली आज तक जांच चल रही है। उसको मौत इसलिए गुप्त किया गया, गुम किया गया कि वो डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का अनुयायी था और ना उसमें दूसरी कोई कमी नहीं थी। हमें समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब तक देश में ये है, ये जब तक देश में है, और दादी का चोरी करते तो जेल जाएंगे, जब तक देश में ये है, ये सबको समझना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। अभी तबलीग अंसारी की मां लिंचिंग में हत्या की गई, बाद में कहा गया वो चोर है। चलिए मान लेते हैं, सरकार ने कहा वो चोर है, चोर मान लेते हैं। लेकिन इस मॉब लिंचिंग में 100 लोगों को मारने के लिए किसने उसको कहा था? उसका दंड था, वो जेल जाता और कानून के हिसाब से सजा होती। कौन लड़ेगा? सवाल यह है, लड़ेगा कौन? क्या एसी के घरों से पैदा हुए लोग लड़ेंगे? एसी में बैठे हुए लोग लड़ेंगे? नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे। आज पेट्रोल डीजल के जो दाम तेज हुए हैं, उसका फर्क 100 करोड़ 200 करोड़ के आदमी को नहीं पड़ता। उसका फर्क उसे पड़ता है जो सुबह ही बेचारा मोटर टूटी मोटरसाइकिल उठा करके और 300-400 रुपये मजदूरी के लिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर घूमता, उसका फर्क। यह सोचना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज हमें किस मिशन की ओर लेकर गए थे और क्यों लेकर गए। मैं भी चाहता हूं, मेरे साथी भी चाहते हैं, ये मैं सिर्फ थोड़ी सी उम्र है, अपनी इंजीनियरिंग छोड़कर खुद पढ़ा हम लोगों के साथ। विधायक चाहे तो कल के दल विधायक बन सकता है, इसे बिहार आने की जरूरत नहीं है, इतनी ताकतवर है वहां। लेकिन नहीं, जो अब तक की राजनीति में देश में गलत हुआ है उसको हम लोग ठीक करेंगे, पूरी ताकत से ठीक करेंगे, और जो रस्ते के बीच में आएगा उसका सामाजिक बहिष्कार भी करेंगे, ये बताइए। बाबा साहब ने जातियों को तोड़ने की बात कही, काशीराम साहब ने उसी बल पर उत्तर प्रदेश में सरकार दी, हम देखे कितने नकारों निकम्मे लोग रहे, हम इतने नकारों निकम्मे लोग रहे। आज 20 साल का युवा, 25 साल का युवा जाति का नाम जहां आता है वही लड़ पड़ता, मैं माफी के त्याग पर चलता हूं। ठीक है, हमारी जातियां विभिन्न विभिन्न है, एक अलग बात है, लेकिन एक समाज जोड़ सोच लीजिएगा। आप प्रत्येक व्यक्ति अछूत समाज से आते हैं, जो आपके बाप दादाओं को खाने पीने पहनने का अधिकार नहीं दिया गया था, आप उस समाज से आते हैं। अगर उस बात को भूल गए होंगे तो मैं दो बात कहता हूं दोस्तों। पहली, जो अपने पूर्वजों का कारवाना अगर आगे बढ़ाए वो कपूत होता है, समझते कपूत? जो बेकार का लड़का होता है, बेकार का पूत होता है वो निकम्मा, और जो अपने महापुरुषों का कारवा बढ़ाए वो पूत होता है। अब आप लोगों को तय करना होगा किस दिशा की ओर चलना है। मजबूती के साथ अगर खड़ा हुआ आज नहीं सीखेंगे तो कल की राजनीति में भी बहुत लोग चाटुकार हो जाएंगे। चाटुकार नेताओं पर ब्रेक लगाना है। देश की राजनीति में लाखों पद है, एक वार्ड मेंबर से लेकर एक राष्ट्रपति तक, लेकिन अगर उनमें से 10% पदों पर भी ईमानदार और कर्पूरी ठाकुर जैसे जगदीश प्रसाद उस वाले से माननीय काशीराम साहब जैसे लोग चले जाए तो इस देश की राजनीति में ऊंचा हो जाए। हमें करना क्या होगा, हमें समझना क्या होगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, पुलिस विभाग की मैं बता दूं, शिक्षा विभाग की बता दूं, इंजीनियरिंग में वगैरह बता दूं, जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनके घर में आज भी फ्रिज नहीं मिलता, उनके घर में आज भी बिस्लरी का पानी पीने के लिए नहीं मिलता, जो लोग ईमानदारी से काम। हाँ, ये जरूर है उनके जाने के बाद उनको इतिहास में याद रखा जाता है, और एक रिश्वतखोर को इतिहास में कभी याद नहीं रखा जाता, ये जरूर। हम लोगों को सोचना पड़ेगा, जिस देश में बहुजनों की आबादी सबसे ज्यादा हो उस देश की राजसत्ता किसके हाथ में है, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्या यहां का बहुजन बुद्धिजीवी नहीं है, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्या हमारे आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, ये हमें सोचना पड़ेगा। कि अगर देश में हम सारी व्यवस्था चला सकते हैं तो इस देश को क्यों नहीं चला सकते। याद कीजिए तथागत गौतम बुद्ध को, जिन्होंने शांति और समृद्धि की बात करी,
और पूरे विश्व में नाम कमाया वो आपके देश से समझते हो, इसी धरती से जाने के लिए। याद कीजिए सम्राट अशोक को, तलवार के बल पर नाम स्थापित किया, लेकिन आज सबसे बड़े शांति और समृद्धि के प्रति लड़ा। याद कीजिए गुरु रैदास जी को, जब खाने पीने का अधिकार नहीं था तो कहा उन्होंने चाहूं ऐसा राज में मिले समन को, और छोड़ पड़े सब संग बसे रैदास नहीं कर सकते। 600-700 साल पहले आपके डीएनए में भी उन्हीं का असर है, वो असर हम लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। भारत की सारी राजनीति जब बीजेपी और संघ केरल के अंदर गाय काट सकते हैं अपने विचारधारा के विपरीत, उनके मंत्री गाय खा सकते हैं, तो आप लोग एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं? क्षेत्रवाद की राजनीति की बात करते हैं, आरएसएस के लोग प्रत्येक जगह जाकर के एक समूह इकट्ठा करके देश भर को देखते हैं, और आप लोग आपकी दुकान पर रहेगा। अच्छा ये आया है हरियाणा से, अच्छा ये आया है यूपी से, ये आया है केरल कर्नाटक और महाराष्ट्र, काम नहीं चलेगा। काम नहीं चलेगा अगर आप वाकई डॉक्टर बाबा साहब भी अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं और जाति को ठोकर मारकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आइए गंगे कन्या के साथ बताएंगे इस देश की राजनीति, बताएंगे इस देश की सामाजिक व्यवस्था, करेंगे इस देश की राजनीतिक व्यवस्था सही, लेंगे इस देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी पूरी में लेंगे, करना पड़ेगा। 1 लाख लोगों की जरूरत नहीं पड़ती परिवर्तन के लिए, 10 लोग काफी, बस चढ़ते वो तैयार हो, मानसिक रूप पर तैयार हो, जो लड़ने के लिए तैयार है, और विचार एक ऐसी व्यवस्था है, विचारों के जरिए बाबा साहब ने सब कुछ बदल कर रख दिया, काशीराम साहब ने राजनीति का आयाम चेंज कर दिया, हम कितने सारे लोग यहाँ पर हैं, ये सब अब करते व्यवस्था है, जोड़ते हैं पंजाब को बिहार से, जोड़ते हैं हरियाणा को राजस्थान से, जोड़ते हैं मध्य प्रदेश को कर्नाटक से, इन सब लोगों को जोड़कर इकट्ठा करते हैं और देश में थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, अपने प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। छीन लीजिए कुर्सी देश की, प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन लीजिए, आपकी बैलेट में इतना दम है कि अगर आप बैलेट पर मारते चले गए और सिर्फ एक बार ये सोच लिया कि नहीं बस अब तो इस्तीफा कर देते हैं, अगली बार देखेंगे ये जरूरत होगी तो इनको बैठा देंगे, इस देश की कुर्सी पर एक अंबेडकरवादी प्रधानमंत्री 2024 में करना पड़ेगा। जिस सोशल मीडिया का यूज हम लोग गाली गलौज में करते हैं, अपनी जाति व्यवस्था फैलाने में करते हैं, हिंदू मुस्लिम के पचड़े में बनकर करते हैं, तो सोशल मीडिया का यूज हम इन सारी व्यवस्थाओं को जोड़ के बिल्कुल कर सकते हैं। सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे तो मैं बता दूं आपको, बीजेपी के पास 100 करोड़ 200 करोड़ हर महीने की व्यवस्था होती है, पूरा आईटी सेल लगा हुआ है यहाँ से पूरे देश के अंदर, एक मशीन डलता है 10 सेकेंड में 50 लाख लोगों के पास फॉरवर्ड हो जाता है, और बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों के पास, कांग्रेस के पास भी पूरा आईटी सेल है, एक मशीन डालते हैं वो 1 करोड़ के पास है, वो लगता है। सोचिए आपके पास क्या है, मैं बताता हूँ, मैंने कहा था ना नकारात्मक निगम में है, एक फर्जी आईटी माननीय प्रधान जी बनाते हैं और उस पर लिख देते हैं ये। आपने कहा अच्छा ये फलाना आ गया हमारी जाति को गलत कर रहा, आप पीट जाते हैं, नहीं सोचते ये मैसेज आया कहां से आया, क्यों कैसे आया, ये व्यवस्था क्या है। जब भी राजनीति का असर होता है, चुनाव का असर होता है, तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, कांड हो जाते हैं। ये राजनीति चुनाव के दौरान क्यों होते हैं ये सोचना पड़ेगा। ये जो मेरे 20-20 साल के भाई, 21-21 साल के भाई, 25-25 साल के भाई, अनाप शराब दिखते एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, नहीं, अपने अंदर मैच्योरिटी पैदा कीजिए। किसी से आप बात करें तो उसको लगना चाहिए कि इसकी समझदारी 40 साल के व्यक्ति की है, बड़े इसकी उम्र 23 साल की है, समझना। अब बात कर देते हैं पार्टी की, सबने कहा चंद्रशेखर आजाद जी ने पार्टी बनाई, उन्होंने रतन जी ने पार्टी बनाई, बहुत सारे लोगों का योगदान है, आप सब लोग उसमें जितने लोग यहाँ बैठे थे सब लोगों से भी करोड़ों लोग,
ये पार्टी क्यों बनी है समझ लीजिए। जब लगातार ये देखा गया कि 2 अप्रैल में अपने भाई शहीद हुए हैं, फिर ये देखा गया कि SC ST एक्ट से लेकर के आरक्षण तक लगातार विवाद है, बड़ा विवाद है देश के अंदर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि ये कोई अधिकार नहीं। सारे नेताओं के पास मैसेज भिजवाए गए, एक नहीं, भारत के अधिकतर सूर्यकाश नेताओं के पास मैसेज भिजवाए गए हैं कि भैया आप सब लोग अगर 1 छक्के नीचे आ जाते हो तो देश में मुस्लिम भाई पहला ही खड़ा है। वो कह रहा है कि हमें इस रक्षण की जरूरत है और आज आप हमारा संरक्षण कर रहे हो, आप लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हो, आइए देश में एक थर्ड फ्रंट की स्थापना कर देते हो। लेकिन जिसके पास 500 करोड़ हो, जिसके पास 5000 करोड़ हो, वो मुझे से 500 रुपए की मुझे से व्यक्ति जिसकी जेब में 500 रुपए भी ना हो उसकी बात का है। जिन लोगों को ऐसी क्या लग पड़ गई हो, अपनी दिशाएं जिन लोगों ने लग कर ली हो, तो मेरी बात का। और मेरे काका जी कहा करते थे, जब आपको लगे कि आप सबको एक लाइन में लाने में नाकामयाब हो रहे हो तो तभी अपने गुस्से लंबी लाइन खींचने की ओर अग्रसर हो जाओ, और जब एक लाइन में आप चलते चले जाओगे तो कार में बढ़ते चला जाएगा और लाइन आपकी। ये हकीकत है। RSS के बाद अगर देश में कोई दूसरा बड़ा संगठन है तो उसका नाम भीमाली बालक एकदम। RSS के लोग विश्व में जानते होंगे, बीमारी भारत एकता मिशन को भी लोग विश्व में जानते हैं। अभी जो अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ टिप्पणी हुई, वहां पर भी भीम आर्मी के लोगों का की सराहना की गई। वहां पर जो आपके इंडिया से लोग रहते हैं उन्होंने उस नस्ल भेद के खिलाफ पूरा कल्चर कर लिया। इस देश की राजनीति में अगर आप चाहते हैं कि अच्छे लोगों की एंट्री हो तो चटुकार नेताओं को जमीन पर पटक देना पड़ेगा, इस राजनीति का आयाम चेंज करना पड़ेगा, यहाँ की जो सही व्यवस्था है उसको कायम करना। हम एक चीज चीख चीख कर कहते हैं, पूरे देश में हमें दंगाई बताया जाता है। सहारनपुर प्रशासन ने तो हमें खूब लिखा लंबा लंबा कि नक्सली है। दिल्ली में पुलिस वाले कहते हैं कि भाई नक्सली है। इस सब की आजादी मुझे मेरा संविधान देता है, इस सब की आजादी यहाँ की सरकार और यहाँ के संघ के लोग मुझे नहीं देते। ये संविधान मुझे कहता है कि जब तुम्हारी बेटी की इज्जत पर हाथ आए, जब तुम्हारी हत्या होने वाली हो तो अपने सम्मान के लिए, अपने संरक्षण के लिए एट ए टाइम जो कर सकते हो वो कर दो, बाद में फिर आना मेरे पास, मैं देखूंगा क्या गलत क्या। अभी दिल्ली के अंदर एक घटना घटती है, सतगुरु रविदास जी का घर मिटाया जाता है, ज्यादा बड़ी बात, बहुत सारे लोग दिल्ली के एक आधा कोई कम कर रहे तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज सोचने की है, 700 साल पहला गुरु घर सरकार ने, इस संघ की सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 700 साल पुराने गुरु घर के खिलाफ फैसला क्यों लिया, ये बड़ा प्रश्न। जब 200, 300, 400, 500 साल पुरानी चीजें देश में इतिहास में दर्ज होती है तो वो चीजें इतिहास में दर्ज क्यों नहीं होती, ये बड़ा प्रश्न। क्योंकि वो बहुजनों की धरोहर है, वो जानते हैं वो एक ऐसी धरोहर है जहां पर गुरु जी ने उस पर विश्राम किया था और एक मुस्लिम राजा ने उनको दुकान इस बार बहुजनों ने फिर ताकत दिखाई और दिल्ली के अंदर जब निकले सब लोग, वहां किसी ने नहीं देखा कौन किस जाति का था। बिहार से पासवानों की ट्रेन बनकर पहुंचती है, महाराष्ट्र से बौद्धों की ट्रेन बनकर वो पहुंचती है, पंजाब से वाल्मीकि की ट्रेन बनकर पहुंचती है, पूरे देश से अलग अलग जाति के लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की ट्रेन पहुंचती है। दिल्ली का पूरा मुस्लिम समाज निकल जाता है, यूपी से मुस्लिम समाज निकल जाता है। कोई नहीं देखता क्या हुआ। सबके दिमाग में एक बात थी कि हमारे बहुजन महापुरुष का घर तोड़ दिया गया है, उसको वापस दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना। बड़ी बात है कि बहुजन एक हुआ, सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो इससे ये प्रतीत होता है देश में अगर कोई ताकतवर है तो वो आप लोग हैं, वरना आरक्षण के खिलाफ बहुत सारी रैलियां, बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत सारे कुकर्मों के भिड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बहुजन अगर 1% की संख्या में जब एक बार निकलता है तो दिल्ली की सरकारी सत्ता ही होती है, मुझे यही कहा। अभी कुछ लोगों ने मुझे कहा कि चंद्रशेखर भाई तो कल के बच्चे हैं, क्या नॉलेज है। हमने कहा अच्छी बात,
बच्चे से बड़ा हुआ जाता है, पता है, लेकिन जब वह ट्वीट करते हैं बिहार में कोई घटना होती है, उस ट्वीट का जवाब देने के लिए प्रशासनिक अधिकारी सारे लग जाते हैं, बिहार का प्रशासन लग जाता है, अमित शाह अपनी पूरी लॉबी बिठाता है कि सर जवाब दीजिए। वो आदमी कोई आसान आदमी नहीं हो, ये तो हमारी समझ में जिसकी बात का जवाब संघ प्रमुख को देना पड़े। जब आजाद इंजन से छूटे, उन्होंने छूटते ही कहा कि ये देश भारतीय संविधान से चलेगा, संघ प्रमुख नागपुर से नहीं। दो दिन के बाद स्टेटमेंट आता है संघ प्रमुख का, ये तो देश संविधान से चल रहा है, संघ प्रमुख से चल रहा है। वो आदमी आम नहीं हो सकता, उसके कार्यकर्ता नहीं हो सकते, बस अब तो व्यवस्था बनानी है। वो कहा है किसी ने कि आप बुद्धि बल इकट्ठा कर लीजिए, आप जन बल इकट्ठा कर लीजिए, धन बल और बाहुबल तो ऑटोमेटिकली आपके पास चला आएगा, और उसके बाद राजनीतिक बल आप कब खींच लीजिएगा पता नहीं चलेगा। भीम आदमी के पास बुद्धि बल है, अभी मैंने पूछा इंट्रोडक्शन दीजिए, भीम आदमी के किसी भी कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि मैं ग्रेजुएट से हूं, तो भीम आदमी के पास बुद्धि बल तो बढ़ता जाता। अब धीरे धीरे बुजुर्गों ने आशीर्वाद देना स्टार्ट कर दिया है, एक से एक मिशनरी बीमारी में आ रहा है, और हम जैसे युवाओं को कैटराइज कर रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण ये देखिए आपके सामने, बुद्धिबल जब हम इकट्ठा कर दिए है, भीम आर्मी के पास जनबल की कोई कमी नहीं है। पूरे देश में जहां जाएंगे, जहां हम जाते हैं, 1000-2000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 2 घंटे पहले सूचना डालो, 1000-2000 युवा साहब क्या करते हैं, जनबल भी हम लोगों के पास है, बड़ा जनबल हम लोगों के पास है। बस अब हमें समझना है, हमें क्षेत्रीय विधायक की तरह नहीं सोचना, हमें सोचना है इस देश के प्रधानमंत्री की तरह, इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकता है। विधायक तो कोई भी हो सकता है, किसको भी बिठा सकते हैं, कि जिसका राजा होता है राज उसका होता है। अकबर का राज रहा हो, सारे क्षत्रिय उनके सिपाही थे, जिसमें सलाहकार थे। शिवाजी का राज रहा हो, सारे उनके सिर पे एक सलाहकार मुस्लिम थे, लेकिन राज किसका होता नहीं। यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि राज स्थापित कीजिए अपना, राज की लड़ाई है देश के अंदर, क्षेत्रीय राज की लड़ाई नहीं है, राष्ट्रीय राज की लड़ाई है देश के अंदर। भीम आर्मी उसी राष्ट्रीय राज की लड़ाई को लेकर के चलेगी। जो व्यक्ति ये कहता है कि आजाद समाज पार्टी कोई पार्टी है, ये भ्रम है सब लोगों का। ये आजाद समाज पार्टी वो मूवमेंट है, ये वो मूवमेंट है जिसमें प्रत्येक पीड़ित शोषित व्यक्ति आकर के संरक्षण महसूस कर सके कि भाई हमारी सुरक्षा के लिए तैयार किया। सबसे बड़ी चीज वो संरक्षण महसूस कैसे किया जाएगा, ये भी सोचने का विषय है। वो संरक्षण तभी महसूस किया जाएगा जब पिटा छिटा व्यक्ति यहाँ का आएगा और यहाँ से जीत कर के आगे की ओर जाएगा, तभी संरक्षण महसूस किया जाएगा। मैं भी अगर तुमको 10 AC वाले कमरे के लोगों को बिठा दूं और ये कहूं कि संरक्षण महसूस कर लीजिए, तो नहीं होगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा संरक्षण करते हैं मिश्रा जी, वो जाकर योगी जी के सामने दलित आदिवासियों की बात करते हैं कि उनकी समस्या है क्या। अजीब बात है। मेरे घर में ना जय नहीं है, मुझे पता है मेरे मोहल्लों की तबियत छोटी है, कि एक आदमी भी मैं नहीं जा सकता, मुझे पता है। जो लोग एसी के कमरे में बड़े बड़े बंगलों में बैठे हो, उन्हें मेरे घर की गली का क्या अंदाजा, नहीं हो सकता। जब एक किसान की फसल बारिश के आने से तबाह हो जाती है, उसके दर्द का अंदाजा किसी को हो सकता है, नहीं हो सकता। अभी मुजफ्फरपुर की घटना है, आज 5 राज्यों जीरो आंदोलन किए गया, एक 8 साल की बच्ची का रेप कर मार दिया जाता है, बहुत सारे रेप हो रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर तेजाब डाला जाता है, चेहरा ध्वस्त किया जाता है, और विडंबना देखिए इस देश की, कि मेडिकल रिपोर्ट आती है कि वो बच्ची पानी में डूबने से मिली, ये विडंबना। अभी बेगूसराय में हमारे 2 साथियों को मार दिया जाता है, संतोष शर्मा विक्रम, पुलिस के शेड्यूलों को उड़ा दिया जाता है। हमारी विडंबना देखिए कि हम रोड पर निकलते आवाज
मरना तो पड़ेगा, मरना पड़ेगा, लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, इतिहास लड़ने वाला पर लिखा जाता है, कल में चाहने वाला पर याद नहीं हो सकता है। कल में भारत से व्यवस्था कर ले, ये देश के दुश्मन तैयार हो गए हैं, कल लग से भी आतंकवादी का ठप्पा लगाएगा, लगेगा। जब जब पीड़ितों की बात करोगे लगेगा, जो जो शोषितों की बात करेगा लगेगा, ये लगेगा। लेकिन हमें काम करना है, ये सरकार इस देश में मनुस्मृति का राज स्थापित करना चाहती है, ये सिद्ध किया है। उत्तर प्रदेश में हर रोज की बात घटनाएं होती है, वो सारी घटनाएं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ होती है, किसी भी स्वर्ण के खिलाफ कोई घटना नहीं हो रही, बैकवर्ड के लोगों को लिए मारी जाती है। लॉकडाउन में भी ऐसा हुआ, ऐसा होने के बाद जब हमारे लोग गए थानों में, ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया, हमारी लड़की छेड़ दी गई है, हमारी जमीन कब्जा दी गई है, तो उन्हीं को पीट करके जेल भेजने का काम हमारी पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट है, देश में पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट है, तो ये दिमाग पर जोर डालिए। इस देश की इतनी बड़ी आबादी, पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट इतने से लोगों की, क्या शर्म नहीं आनी चाहिए? दिमाग में बिठा लीजिए, आपका एक एक वोट एंटी बीजेपी होगा। फिलहाल बीजेपी को देश से उखाड़ने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे, उसके बाद से हम बताएंगे आने वाले समय में कि युवा लीडरशिप कैसे देश में डेवलप होती है, कैसे युवा पूरे देश में एक साथ करने जगह काम लगाकर खड़े होते हैं, कैसे जाति और धर्म की बेड़ियां तोड़ करके आते हैं। अभी हमारे मुस्लिम साथी थे दिल्ली में, उन्होंने हमसे पूछा, भाई अध्यक्ष जी एक बात तो बता दीजिए, चलिए आपने दलितों को इकट्ठे करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन मुसलमान युवा का क्या? मैंने उनको जवाब दिया कि चंद्रशेखर आजाद जब एक बार जामा मस्जिद पर चले जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए 10,000 मुस्लिम युवा घरों से निकल जाता है, 10,000 मुस्लिम युवा घरों से निकल कर आता है। और चंद्रशेखर आजाद जी को यह कहता है भैया हाथ से हमारा नेतृत्व आप करेंगे, हमारी सुरक्षा आप करेंगे, हमारी बेटी की रक्षा आप करेंगे, हमारे व्यापार की रक्षा। तो मुझे लगता है कि ऐसी भारत में कोई ताकत पैदा नहीं हुई जो जनमन को तोड़ने का साहस कर सके, जो बुद्धिमत को तोड़ने का साहस कर सके। ये हमारे महापुरुषों ने बताया है, बाबा साहब का बुद्धि बल मिलकर के पूरा ब्राह्मण धोबी कभी तोड़ नहीं पाए, माननीय काशीराम साहब का बुद्धि बल कभी तोड़ नहीं पाए। आज जो हम खड़े हैं वो माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब की, तो जब वो लोग इतना कर सकते हैं तो क्या हम लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते? हम मात्र प्रधानमंत्री की कुर्सी से एक कदम पीछे हैं। हमें अपना सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रांग करना है, हमारी बहुजन जातियों को लाकर एक जगह मिलाना है, देने के लिए हमारे पास किसी के पास भी कुछ नहीं है। हाँ ये जरूर है, मैं अगर बिहार में आ जाता हूं तो बड़े भाई मुझे दो रोटी खिलाने की ताकत है, मैं अगर पंजाब में चला जाता हूं तो वहां पर भी एक साथी मुझे दो रोटी खिलाने की ताकत है। ये ताकत बहुत बड़ी ताकत है। इस बार चुनाव हो रहा है, बीमार मंत्री है चंद्रशेखर भाई चुनाव में आ गए, उन्होंने चुनाव लड़ाएगा जो होगा देखा, चुनाव लड़ रहे हैं पूरी ताकत से, चुनाव लड़ रहे हैं बिना धन के, चुनाव लड़ रहे हैं बुद्धिबल से, चुनाव लड़ रहे हैं जनबल से। अभी एक दौरा बिहार का हुआ है, अभी एक दौरा बिहार का हुआ है, अभी और मीटिंग में उतरेंगी जो गांव गांव तक जाकर के देखेंगी हमारे परिवार की स्थिति क्या, उस स्थिति पर चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं बता दूं उन लोगों को जिनके बिहार से मुझे फोन गए, जो राजनीति का अपने आप को बहुत बड़ा आयाम समझते हैं, जो कहते हैं बिहार की राजनीति नहीं चेंज हो सकती, इस बार तो कम लोग आए हैं, अगला चुनाव जिस दिन यहाँ होगा तो इतने कार्यकर्ता यहाँ आएंगे कि प्रत्येक एक बहुजन घर में एक कार्यकर्ता की रोटी के खाने की व्यवस्था की जाएगी, वो वहीं रहेगा, वहीं अपना मूवमेंट समझाने का काम करेगा। हम देखते हैं बिहार की राजनीति क्यों नहीं होगी। ये लोग क्षेत्रवाद की राजनीति को भी फैलाएंगे, उस समय एक चीज दिमाग में रखिएगा, मैं आपके क्षेत्र से आकर एमपी बन नहीं बन सकता, मैं आपके क्षेत्र से आकर एमएलए का चुनाव तो लड़ ही नहीं सकता,
ये बात ध्यान रखिएगा, जब कोई क्षेत्रवाद की बात करे तो उसे शोषण बताइएगा, अपने मुझे शोषण बताइएगा कि आज भी देश में हम लोगों के ऊपर कितना शोषण होता है। डेली एक बलात्कार हम लोगों के साथ किया जाता है, हमारी बेटी के साथ किया जाता है, डेली दो हत्याएं हमारे परिवार के लोगों की हो रही है। अभी दो तीन दिन पहले घटना है केरल के प्रदेश अध्यक्ष, जब 1-8 साल के बच्चे का मर्डर हो गया, उसके मर्डर को लेकर के आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, रात को 9 बजे दो लोग आए, 8 मिनट मार डालकर तलवार से मार कर चले। अब ये तो समझ आ चुका है, ये जो युवा है ये ताकतवर है, सारी ताकत इसके हाथ में है, और जो बुजुर्ग है वो अगर एक बार इनको गाइड कर दे वो बिहार तो बिहार छोड़िए, सारे राजनेताओं की पैंट मिली है, ये जमीन पर चलने वाले लोग किस तरीके से वो फाइट दे रहे हैं, बिहार तो बिहार छोड़िए, जो जो चुनाव आता जाएगा वही चुनाव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कदमों में हम लोग डुबा देते हैं। एक चीज और बता दूं, बात खत्म नहीं करूंगा इस बात के बाद, इस बताने के बाद कि भाई चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे व्यक्ति को, मैं मित्र भी हूं उनका, एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें खरीदा तो जा सकता है लेकिन वो भी प्यार से भारत के क्या पूरे विश्व के अंदर वो नोट ले बराबर से अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, साथियों बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुजुर्गों के हाथों में कभी राज नहीं होते, साथियों बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुजुर्गों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ जाती है सर झुका के चलने की आदत, उस कौम के सरों पे कभी ताज नहीं होते।